उधर 5 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले को लेकर सरकार की बनी 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच टीम कंपोजिट कंट्रोल रूम पहुंची। इस मौके पर आईजी अखिलेश कुमार झा, भू राजस्व सचिव के सोन, डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी के अलावा कोतवाली थानेदार और सुखदेव नगर थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। मामले को लेकर फिलहाल सभी से पूछताछ कर अपनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और इमरान, इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। और इमरान, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आ रही है? कंपोजिट रूम में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, कैसी बातचीत यहां पर हो सकती हो रही हो और क्या कुछ इससे निकलकर सामने आ सकता है? इमरान, देखिए बिल्कुल, दो उच्च स्तरीय जो दो सदस्य टीम की जो बैठक चल रही थी, तकरीबन 2.5-3 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक समाप्त हुई है, बैठक के बाद जब भू राजस्व सचिव जो है के सोन, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में जो घटना हुई है उसकी जांच के लिए सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो आगे जो कार्रवाई करनी है रांची पुलिस को या फिर झारखंड पुलिस मुख्यालय को, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अभी फिलहाल सभी से पूछताछ की गई है जो उस दिन से जुड़े लोग शामिल थे, जिसमें चाहे वो ट्रैफिक से जुड़े लोग थे, थाने से जुड़े मामले से थे या फिर वायरलेस से, यहाँ तक कि सीएम सुरक्षा में जो भी लोग शामिल थे वो तमाम लोगों को बुलाया गया था। 1-to-1 तमाम लोगों से बातचीत हुई, सभी से पूरे मामले की जानकारी ली गई, फीडबैक लिया गया और ये बहुत जल्द सरकार को ये सारी रिपोर्ट सौंपनी है। इस बैठक के दौरान जो 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण रही वो कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये इस पर भी विचार किया जा रहा है कि और कैसे सीएम की सुरक्षा सहित वीवीआईपी सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके ताकि फिर से किसी तरह की इस तरह के सवाल खड़े ना हो। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन में जिन पदाधिकारियों को जिनकी प्रतिनियुक्ति थी या फिर जिनका मूवमेंट था, क्या वो तमाम सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में मौजूद थे या नहीं थे, इनकी जानकारी ली गई। जो जो अधिकारी है चाहे सब इंस्पेक्टर हो मौजूद, डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, डीसी हो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बना रहे हैं, फिर आएंगे आपके पास और लेंगे पूरी अपडेट। आप नजर बना रखें इस मीटिंग के बाद और क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी